हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल रियांश प्लांट्स इन पॉट। दोस्तों, कुछ ही एक दो दिन पहले ही मैंने अपनी प्लांट शॉपिंग की वीडियो डाली, आप लोगों ने बहुत पसंद की, लेकिन अभी भी गमले तो भाई बहुत सारे खाली हैं। तो गमलों को भरने का काम कुछ खरीदे पौधों से करना है, तो कुछ जहाँ से भी फ्री के पौधे मिलते हैं बिल्कुल मैं अरेंज कर लेती हूँ। मैं अपने घर गई थी, ज़्यादा तो नहीं, दो तीन ही प्लांट लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और सबसे पहला प्लांट तो मैं डेविल्स बैकबोन की ये वाली वैरायटी लाई हूँ, मेरे पास थी लेकिन ये बेचारा डोरमेंसी में ऐसा गया इस साल सर्दियों में कि उससे बाहर ही नहीं आ पाया। जैसे ही गर्मी आई, पहले तो ज़्यादा सर्दी की मार की वजह से ही ख़राब हुआ, उसके बाद फिर ज़्यादा गर्मी की मार से ये पूरा ही मेरा प्लांट ख़राब हो गया। तो इस प्लांट को हम लगाएंगे इसमें, और ये काफ़ी लैगी लैगी सी इसकी ब्रांच है, तो इसकी कुछ कटिंग्स भी हम लगा देंगे ताकि इस गमले में ये काफ़ी भरा भरा सा इसका लुक आए। बरसात का मौसम है तो ईजिली ग्रो हो जाएगा। सेकेंड प्लांट देखिए, मैं लेके आई हूँ सिंगोनियम। सिंगोनियम देसी सिंगोनियम है ये, शायद इसमें दो कटिंग लगी हुई है। ये बॉटल में मैंने अपने लिए अलग से लगवाया था, तो इसको निकाल के किसी गमले में लगा दूंगी। गमले तो आपको पता ही है, बहुत सारे खाली है भाई, बहुत रोना रोया है मैंने कि मेरे गमले खाली हो गए, प्लांट ख़राब हो गए। तो सेकेंड प्लांट में लाई हूँ सिंगोनियम, क्योंकि मैं जो प्लांट लाई थी उसमें ग्रीन कलर की लाइन्स है वो अलग है और ये डिफरेंट प्लांट है। इसके अलावा एलोए का एक वैरायटी, मतलब आप लोग अगर बोलेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं एलोवेरा का वैरायटी, नहीं, एलोवेरा खुद एक वैरायटी है, तो ये एलोए का एक डिफरेंट वैरायटी है। ये छोटा छोटा सा ही रहता है और ये थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर का होता है, नॉर्मल जो एलोवेरा होते हैं उनकी कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर का होता है। धूप में रखेंगे और भी डार्क हो जाएगा, और इसमें वाइट और रेड कलर के पैचेस जैसे बनते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मम्मी के घर पर बहुत सारा था तो मैं थोड़ा सा ले आई हूँ, वहाँ तो बहुत जल्दी प्लांट ग्रो करते हैं। इसके अलावा मैं डेविल्स बैकबोन की कुछ कटिंग लाई हूँ, देखिए जैसे ये है, तो ये काफ़ी बुशी सी ब्रांच लगी मेरे को। तो अभी बरसात का सीजन है, मिट्टी मैं अपने साथ लेके आई हूँ घर से ही, दोमट मिट्टी है, खेतों की मिट्टी है तो उसमें अलग से कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं, रेत भी मिला हुआ है, ये देखिए इसमें मैं मिट्टी लेके आई हूँ, तो इस मिट्टी में रेत मिला हुआ है। इसके अलावा गोबर खाद है और DAP वगैरह, खेतों में जो जो दवाइयाँ डलती हैं, जो भी कंपोस्ट जो भी डलता है, वो सब इस मिट्टी में पहले से ही मिला हुआ है, तो मुझे अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट दो गमलों की मिट्टी में लेके आई हूँ। तो ये वेरीगेटेड वैरायटी ले आई हूँ, इसके अलावा ये नॉन वेरीगेटेड, इसके भी मेरे पास प्लांट थे लेकिन वही है ना कि मौसम की मार से पहले सर्दी में ख़राब हुए, उसके बाद फिर ये गर्मी में ख़राब हुए। हालांकि मैंने इनकी बहुत सारी कटिंग लगाई थी, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बस ये ऐसी ही ग्रोथ हुई इस बार, ये देख रहे हैं ना, एक एक दो दो पत्ती आनी शुरू होती हैं, उसके बाद ख़त्म हो गए थे लू की वजह से, हीट वेव की वजह से। बट अभी जो भी कटिंग रह गई थी वो मैंने इसमें लगाई है, ये तो पता नहीं चलेंगी या ये भी ख़राब हो जाएंगी, कुछ पक्का नहीं पता, बट मैं फिर भी ले आई हूँ कटिंग। तो इस तरीके से मेरे 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के मेरे प्लांट रेडी हो जाएंगे, यानी कि 5 गमले भर जाएंगे। इसके अलावा हमने जो मिल्क बुश प्लांट की कुछ कटिंग लगाई थी जो इस साल सक्सेसफुल नहीं हुई, जो मेरा मदर प्लांट था यहाँ पर, वो भी गर्मी से ख़राब हो गया, क्योंकि गर्मी की वजह से जब मिट्टी जल्दी सूखती थी फिर उनमें पानी दिया जाता था, तो फिर वे पानी की मार से ख़राब हो गए। अभी मेरे पास इसकी दो कटिंग हैं, दोनों में से देखते हैं, अब बरसात में आके इनमें नए नए पत्ते आने शुरू हुए हैं, तो आई होप कि ये भी सर्वाइव कर जाए, तो दो पौधे और तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा भाई ये मेरा ये वाला भी पॉट खाली है, तो इसमें स्नेक प्लांट मैं सोच रही हूँ, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि किसी बाहर के गमले में मैं स्नेक प्लांट बाहर भी रखूँ, ताकि देखूँ बाहर कैसा रिजल्ट रहता है। वैसे तो चल जाता है ये प्लांट्स, और हमने जो हल्दी लगाई थी उसमें अच्छे से स्प्राउटिंग हो गई है, स्प्राउटिंग तो पहले से ही थी लेकिन कई बार हल्दी मिट्टी में लगाने पर गल भी जाती है, लेकिन मेरे वाले ग्रो कर गए हैं, तो जल्दी ही ये भी गमला भर जाएगा। अपने गार्डन को रिवाइव करने की कोशिश में मेरा अगला स्टेप यही था कि कुछ प्लांट मैं लेके आ पाई, हालांकि मेरी मम्मी के घर पर बहुत सारे प्लांट, बहुत वैरायटी के प्लांट हैं। उन्होंने मेरे लिए एक चंपा का प्लांट लगाया था जो मेरा वहीं पे रह गया, छूट गया, कई सारी वैरायटी की रेन लिली थी वो भी भूल गई मैं, और कुछ स्नेक प्लांट की डिफरेंट वैरायटी थी वो भी मैं, वेरीगेटेड लॉन्ग वैरायटी वो भी मैं भूल आई, या ये कहिए कि टाइम की कमी के चलते मैं ला ही नहीं पाई। आई होप कि
आपको भी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाए, आप भी कटिंग से ग्रो करें। जल्दी अपने गर्मी से ख़राब हुए खाली पड़े गमलों को आप फटाफट से भर लीजिए। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी गार्डनिंग करिए, खरीदिए या फ्री अरेंज करिए कटिंग्स को। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, गो ग्रीन।